हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस सोनी आपके यूट्यूब चैनल सोनी भैंसला में आप लोग का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर की श्रृंखला को समझाते हुए आज हम लोग आपके लिए नया करंट अफेयर लेकर आए फिर से पुनः, ठीक है। ये पूरा छत्तीसगढ़ का पर बेस्ड विस्तार रूप से आपका क्या होगा, फुल डिटेल में आपका करंट अफेयर है, ठीक है। किसी प्रकार की क्वेरीज के लिए हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में पोषण माह का शुभारंभ, छत्तीसगढ़ है हमारा, उसमें क्या है, पोषण माह का शुभारंभ किया गया दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसके आयोजन की तिथि क्या है हमारा, तो याद रखिएगा 1 से 30 सितंबर के मध्य क्या किया जाएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका पोषण माह का शुभारंभ किया जाएगा, ठीक है। आयोजक इसके कौन कौन होंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा हमारे जो CM है भूपेश बघेल जी और हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल की सदस्य हैं, मंत्रिमंडल में शामिल अनिला भेड़िया जी हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पोषण सप्ताह, ये बहुत ही एम्पी क्वेश्चन है दोस्तों कि पूछा सकता है कि छत्तीसगढ़ में यह पोषण माह सप्ताह के रूप में किसे चयनित किया गया, किस तिथि को, तो आप याद रखिएगा 1 से लेकर 7 तक की तिथि को पोषण सप्ताह के रूप में चयनित किया गया है। बहुत ही एम्पी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पोषण माह बोले तो 1 से लेकर 30 सितंबर के बीच, पोषण सप्ताह तो 1 से 7 सितंबर के बीच होगा, ठीक है। मैं आपको समझा दूं दोस्तों, उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है इसमें कुपोषण को रोकथाम करना, सबसे मेन है इसका कुपोषण। जो हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुपोषण की दर है दोस्तों, याद रखिएगा 37.7% अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर है, इसको क्या करना, कम करना। तो कुपोषण के रोकथाम करना, स्वास्थ्य एवं पोषण के हितग्राहियों को जागरूक एवं सजग बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर से समझा दूँ, कुपोषण रोकथाम करना, स्वास्थ्य एवं पोषण के हितग्राहियों को जागरूक एवं सजग बनाना, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए अब यहाँ देखते हैं विशेष क्या है दोस्तों इसमें, तो सुपोषण रथ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्या है, एक रथ जो भारत स्तर पर क्या किया जा रहा है, आपके पोषण को, आपके कुपोषण की दर को कम करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, उसके तरह एक आपका रथ है जो छत्तीसगढ़ से क्या कर दिया गया है, आपको हरी झंडी देकर रवाना कर दिया गया। ये याद रखिएगा, आप इसका नाम याद कर लीजिए, सुपोषण रथ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको क्या किया गया है अभी तत्कालिक में अनिला भेड़िया जी और श्री भूपेश बघेल जी द्वारा क्या कर दिए गए, हरी झंडी दिखा दी गई है, या क्या हो गया, आगे जाने के लिए प्रस्थान हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं विशेष क्या है इसमें, ये तो बता दिया आपको मैं। इसके तहत 5 आधार या सूत्र बनाए गए हैं दोस्तों, ये 5 सूत्र क्या है, या 5 नियम बोल सकते हैं, जिसके तहत या इसकी रैंकिंग या इसका पता चल पाएगा। ये क्या देखते हैं, शिशु का प्रथम 100 दिवसीय, ठीक है, जो शिशु होते हैं उनके 100 दिवस के बारे में इनके जानकारी मिलेगी, वो क्या क्या बताता हूँ, एनीमिया, डायरिया, हाथ धुलाई, स्वच्छता और पौष्टिक आहार, ये 5 क्या है, इसके नियम है, सूत्र हैं, आधार हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही एम्पी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, तो आपका एक पहला इसको भी ले सकते हैं, अगर आप हाथ धुलाई और स्वच्छता को एक में माने दोस्तों, तो आपका शिशु का प्रथम 100 दिवस या 1000 दिवस है, ये आपका क्या हो सकता है, पहला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, पहला ये। दूसरा करके आप लोग हाथ धुलाई और स्वच्छता को एक में भी ले सकते हैं, ठीक। इसका 5 आधार मैंने आपको समझा दिया, याद रखिएगा, एक बार और समझा देता हूँ, शिशु का प्रथम 1000 दिवस, तो इसमें आ जाएंगे एनीमिया, डायरिया, हाथ धुलाई, स्वच्छता और पौष्टिक आहार, 5 इसके सूत्र हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, योजना के अंतर्गत वितरण, ये योजना है दोस्तों, उसके अंतर्गत क्या वितरण किया गया, तो याद रखिएगा सुपोषण टोकरी का वितरण किया गया, बहुत ही एम्प्लीकेशन है, सुपोषण टोकरी का वितरण किस योजना के तहत किया गया है, तो आप बताइएगा, आपको पोषण माह या पोषण कुपोषण दर को कम करने के अंतर्गत किया गया है, पोषण माह के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। चलिए इसके लिए नारा दिया गया है दोस्तों, 2 नारा है यहाँ पर, देखिए बता देता मैं आपको, घर घर पोषण व्यवहार अपनाबो, घर घर पोषण व्यवहार अपनाबो, और दूसरा है सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाबो, सुपोषित क्या है, सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाबो, ये 2 नारा है। आपको एक बार और से मैं समझा दूँ, शुरू से देख लीजिए एक बार अच्छे से, छत्तीसगढ़ में पोषण माह का शुभारंभ, तारीख देख लीजिए 1 से लेकर 30, आपसे पूछा जाए सप्ताह तो 1 से 7 सितंबर, आयोजक भूपेश बघेल जी अनिता भेड़िया द्वारा। अब देखिए उद्देश्य क्या है, कुपोषण रोकथाम करना, स्वास्थ्य एवं पोषण के हितग्राहियों को जागरूक एवं सजग बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य। इसके तहत विशेष क्या है दोस्तों, तो सुपोषण रथ का आयोजन किया गया है, ठीक है, जो यहाँ से हरी झंडी उसको दिखा दी गई है। अब देखते हैं विशेष हो गया, आपको 5 सूत्र याद रखिएगा, शिशु का प्रथम 100 दिवस हो जाएगा, एनीमिया, डायरिया, हाथ धुलाई, स्वच्छता और पौष्टिक आहार, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, इसके अंतर्गत क्या वितरण किया गया है दोस्तों, आपसे पूछा जाए तो सुपोषण टोकरी का वितरण किया गया है, नारा 2 दिया गया है, घर घर व्यवहार अपनाबो, सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाबो, छत्तीसगढ़। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात की स्थिति देख लेते हैं, बहुत ही अहम, छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात की स्थिति देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है इसमें, 4th, 4th स्थान है,
ठीक है। तो मैं आपको, देखिए दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के परफेक्ट से भी आईएमपी बनता है और हमारे नेशनल लेवल पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या बनेगा इसका, बनता है। देखिए छत्तीसगढ़ का स्थान क्या दोस्तों, चौथा। तो लिंगानुपात दर क्या है छत्तीसगढ़ की, 977 प्रति 1000 आदमी, 1000 आदमी के पीछे 977 महिलाएं हैं, ठीक है। आंकड़ा देख लेते दोस्तों किसके अनुसार, 2015-16 के आंकड़ा के अनुसार ये आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों देश के स्तर पर, देखते हैं तो प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया और अंतिम स्थान। तो देश स्तर पर प्रथम स्थान आपका केरल ने, और कितने अंकों के साथ दोस्तों, तो 147 अंकों के साथ। और आपका सिक्किम है, उसने 809 अंकों के साथ क्या किया, सबसे अंतिम स्थान पर रहा, ठीक है। यहाँ का 1000 पुरुषों के पीछे 809 महिलाएं हैं, याद रखिएगा। और आपके केरल में क्या है, 1000 मतलब पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या अधिक है, पुरुषों से महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। तो 1000 पुरुषों के पीछे 1047 महिलाएं हैं, और आपके सिक्किम में 1000 पुरुषों के पीछे 809 महिलाएं हैं। तो यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पर सर्वाधिक, सर्वाधिक दर कहाँ पर देखा गया, मतलब दोस्तों जहाँ पर क्या था आपका, पुरुषों की संख्या महिलाओं से बहुत अधिक थी, महिलाओं की संख्या बहुत कम थी जहाँ पर, वहाँ पर क्या किया गया, एकाएक वृद्धि दर्ज की गई है। तो वो राज्य है पंजाब, जहाँ 860 अंक, मतलब 860 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे, जहाँ महिलाएं की संख्या बहुत कम थी दोस्तों। अब देखते हैं 126 पॉइंट का सुधार हुआ है, 126 अंकों का सुधार के साथ या क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर आपके कहाँ की गई है, पंजाब में। सर्वेक्षण का कार्य करने वाली संस्था क्या दोस्तों, तो एनएफएचएस का नाम है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक है। अब चलिए राज्यों के स्थान देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का स्थान है दोस्तों, तो पहला दूसरा तीसरा कौन सा है, छत्तीसगढ़ का स्थान चौथा हमारा, तो पहला देख लिया, आज आपको बता देता हूँ मैं, इधर देखिए केरल का 147 अंक के साथ, 147 महिलाओं के साथ क्या जाएगा आपका प्रथम स्थान, लिंगानुपात 147 यहाँ पर पहला आ जाएगा। दूसरा नागर, दादर नगर हवेली 113 मतलब लिंगानुपात के अनुसार दूसरा रहे स्थान पर। मेघालय आपका 1009 के अनुसार तीसरे स्थान पर, और छत्तीसगढ़ 977 के अनुसार चौथे स्थान पर है, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ में देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड प्रणाली, तो छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के पर बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बनने का संभावना है दोस्तों, मैं समझा देता हूँ। नया तकनीक बनाया गया, इसके तहत नए तकनीक में क्या होगा, क्यूआर कोड पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा दोस्तों, याद रखिएगा, यह आपके क्यूआर कोड पर आधारित होगा। कुल रंगों के कार्ड देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कुल 5 रंगों के कार्ड हैं, कितने रंगों के, कुल 5 रंगों के कार्ड हैं। राशन कार्ड का नंबर देख लीजिए दोस्तों, पहले याद रखिएगा, यहाँ पर जो कुल 5 रंग है दोस्तों, पहले 3 था, अब 5 हो गया है। अब समझाऊंगा मैं आपको, राशन कार्ड के नंबर पहले ये 12 अंक क्या हुआ, सॉरी अब ये 12 अंक होंगे दोस्तों, पहले ये 14 अंक हुआ करते थे, अब 12 अंक होंगे, पहले ये 14 अंक हुआ करते थे। अब देखिए क्रमांक का प्रारंभ, जो जैसे 12 अंक है अभी, वो प्रारंभ कहाँ से होगा, तो अब वो 12 क्रमांक है वो 12 से, आपका 12 से लेकर ये आपका पूरा 22 से लेकर आपका ये 12 अंक तक जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्रमांक का प्रारंभ अब 22 से होगा, पहले क्या होता था, 54 से स्टार्ट होता था, पहले ये 254, फिर यहाँ से लिखते लिखते आपका 12 अंक हुआ करता था, अब ये क्या होगा, 22 से लेकर करते करते 12 की धारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए अधिनियम, किस अधिनियम के तहत किया गया है दोस्तों, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत या राशन कार्ड प्रणाली लाई गई है। अब इसके अंतर्गत देखते दोस्तों, बहुत ही एमपी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, हितग्राहियों की श्रेणी, ठीक है दोस्तों, पहले भी याद रखिए, अभी 5 है, पहले भी 5 थी, अब इन 5 श्रेणियों के लिए दोस्तों क्या किया था, 5 श्रेणियों थी, उन पे 3 प्रकार के रंग पर राशन कार्ड जारी किया था, लेकिन इस बार क्या किया गया दोस्तों, आपका 5 श्रेणियाँ हैं और 5 श्रेणियों के लिए 5 रंग का कार्ड लाया गया है। देखिए लाल रंग का कार्ड लाया गया आपके प्राथमिक परिवार के लिए, लाल रंग का कार्ड किसके लिए, प्राथमिक परिवार के लिए, पीला रंग अंत्योदय परिवार, देखिए इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है दोस्तों, लाल रंग का कार्ड आपके प्राथमिक परिवार, पीला रंग का कार्ड आपके लिए अंत्योदय परिवार के लिए, नीला रंग आपके अन्नपूर्णा परिवार के लिए, काला रंग आपके निःशक्त जन, निःशक्त मीन्स क्या होता है दोस्तों, जो क्या होते हैं असहाय होते हैं उनके लिए है, ठीक है। और निःशक्त जन मतलब जो बहुत ही क्या होंगे दोस्तों, कमजोर होंगे, निःशक्त होंगे, अपने स्वयं का नहीं कर पाएंगे उनके लिए। अब आपका स्लेटी रंग का हो जाए दोस्तों, और निराश्रित, निराश्रित मतलब जो दूसरे पर आश्रित होंगे, जिनका क्या होगा आश्रय दूसरे पर निर्भर करता है, वे सब इसके अंतर्गत आएंगे। तो स्लेटी रंग का आपका निराश्रित परिवार पर, याद रखिएगा, फिर समझा देता हूँ, लाल रंग प्राथमिक परिवार, पीला रंग अंत्योदय परिवार, नीला रंग अन्नपूर्णा परिवार, काला रंग आपका निःशक्तजन परिवार आ जाएगा, स्लेटी रंग आपका निराश्रित परिवार होगा। आगे देखिए यहाँ पर नोट लिखा है मैंने, इससे पूर्व हितग्राहियों की श्रेणियाँ
5 थी परंतु कार्डों की संख्या 3 थी दोस्तों। अब 5 श्रेणियां हैं और 5 ही क्या होंगे, आपके रंग होंगे। चलो समझा दिया मैंने आपको। कुपोषण को मिटाने के लिए अद्भुत पहल किया गया छत्तीसगढ़ में दोस्तों। ये गांव अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्यों इसको समझाता हूँ। ग्राम देखते पिथौरा ब्लॉक गोडव हाल, इसका नाम है गोडव हाल, पिथौरा ब्लॉक है आपका रायपुर का, छत्तीसगढ़ गांव का, छत्तीसगढ़ का एक गांव है पिथौरा ब्लॉक, उसमें क्या है गोडव हाल गाँव है। देखिए पहल किया गया है DRFO राकेश चतुर्वेदी द्वारा, क्या किया गया है वहाँ पर, इसकी पहल की गई है, कुपोषण को मिटाने के लिए पहल की गई है। शामिल परिवार देखते दोस्तों 105 परिवार, पहले इसमें केवल 13 परिवार थे दोस्तों, अब ये 13 परिवार से बढ़कर इसकी संख्या कितनी हो गई, 105 किसान परिवार जुड़ गए हैं। और ये प्रतिदिन दोस्तों 2000 लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन करते हैं, और दूध का उत्पादन करने से दोस्तों इनको जो मुनाफा मिलता है, अतिरिक्त मुनाफा मिलता है, उनसे ये क्या करते हैं गाँव में व्याप्त कुपोषण को क्या करते हैं दूर करते हैं, बहुत ही अच्छा पहल बोल सकते हैं इसे। उद्देश्य क्या दोस्तों, तो प्राप्त मुनाफे से गांव के कुपोषण की समस्या का निदान करना, सबसे अहम भी। चलिए यहाँ पर देखते हैं गठित समिति, इसके लिए जो एक गठित समिति गई दोस्तों, जिसमें 4 लोग कार्य करते हैं, इस समिति में 4 लोग हैं जो 2 क्या करते हैं इसका संचालन का कार्य करते हैं। अब इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों, तो ये अध्यक्ष कौन है, तो सदाराम पटेल जो गाँव के ही क्या है एक किसान है, उनको क्या बनाया गया है इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बगल में लगी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।